Hi everyone, welcome back to another vlog. I hope you all are doing absolutely fine. So this is very unusual day in my life because today I woke up at 3 o'clock और कई अलार्म के बजने के बाद में भी मेरा यही हाल है कि मेरी नींद जा ही नहीं रही थी, तो मैं उठने के बाद टेबल पे भी आकर के थोड़ी देर सोई, मतलब जस्ट 5 मिनट, और जल्दी से खुद को उठाया कि अरे भाई मैं सोने के लिए नहीं उठी हूँ, आई हैव सम प्लान्स टुडे एंड दैट्स व्हाट आई वोक अप एट दिस टाइम, तो उठो चलो पढ़ना है। एंड नींद को भगाने के लिए एज यूजुअल मैंने पानी पिया, सिप कर करके एंड फेस वॉश किया, तो इसके बाद में मेरी नींद काफ़ी हद तक खुल गई थी। और बाहर आकर के देखा तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था और सन्नाटा भी था, तो मैं अंदर आ गई, तो मैंने आकर के अपनी स्टडी स्टार्ट करी। एंड एवरीबडी नोज दैट कि मैं इतना जल्दी नहीं उठती हूँ, मेरा रूटीन मोस्टली 7:30 से स्टार्ट होता है, बहुत जल्दी हुआ तो अभी इस टाइम पे 6:30 हो रहा है, तो आप सबको लग रहा होगा कि इतना जल्दी उठने का क्या रीज़न है। एक्चुअली शाम में ना मुझे कहीं बाहर जाना है, दैट्स वॉट, उसको कवर करने के लिए मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, वरना मुझे शाम को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, आई नो दैट। एंड इसकी वजह से मेरा पूरा दिन चला जाएगा, इसकी वजह से मैंने कुछ पढ़ा वगैरह नहीं होगा, दैट्स व्हाट मैंने सोचा कि व्हाई नॉट वेक अप अर्ली एंड कवर दैट थिंग्स। तो मैं आज जल्दी उठी थी, इसका फायदा उठाने के लिए मैंने सबसे पहले रिवीजन से स्टार्ट किया, काफी दिन से मेरी रिवीजन पेंडिंग थी तो उसको करने में लग गए, और मुझे ना बीच बीच में नींद आ रही थी, आई वॉज यर्निंग, तो मैंने नींद को भगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कॉफी पीना, ब्लैक कॉफी इज द बेस्ट, बट मेरे पास थोड़ा सा मिल्क रखा था तो मैंने कॉफी का प्रपोर्शन ज्यादा रखा और मिल्क का बहुत कम, तो ऐसे करके मैंने थोड़ी सी कॉफी बनाई और उसको पिया। फिर बाहर आकर के देखा कि बाहर के क्या हाल चाल है, बट अभी 5 बज रहे थे और अभी भी अंधेरा था, तो मैं अंदर आ गई और अब मैंने जो भी रिविजन किया था उसको एक साथ सारे नोट्स रख करके याद करने का स्टार्ट किया, बिकॉज मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा शांति होती है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न एनीथिंग, और मॉर्निंग में अगर लर्न कर रहे हैं ना तो उसके बाद में अगर आप याद करने के बाद एक बार लिख लोगे ना, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, और उसी पूरे दिन में ना बीच में जब आपका दोपहर वगैरह का टाइम हो उस टाइम पे वापस रिकॉल करके जो भी याद किया था उसको रिसाइट करिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में कितनी चीज़ें बैठी हैं, और इसके बाद में ना आपका पूरा जो भी आपने याद किया है वो पक्के से आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, लाइक आप लंबे टाइम तक उसको रिटेन कर पाएंगे। तो व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग यू कैन डू दिस, इट इज क्वाइट टाइम टेकिंग बट इट विल सस्टेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। जब तक मेरा सारा लर्न करने का कंप्लीट हुआ ना, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने ये किशमिश और बादाम खाए थोड़े से। उसके बाद यहाँ पे 6 बजे तक सुबह हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा बादल थे, मैंने अंदर आकर के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और लर्न किए, इसके बाद में मैं निकल गई योगा करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ मस्ट इन माय रूटीन, मैं योगा और एक्सरसाइज कभी स्किप ही नहीं कर सकती हूँ, एक्सेप्ट जब बारिश हो रही है तो जा ही नहीं पाएंगे। उसके बाद मैंने खाए एप्पल एंड अब मैंने स्टार्ट किया अपना लेक्चर्स देखना। तो आज के पूरे दिन में जो भी मेरी अनरिक्वायर्ड थिंग्स थी ना, मतलब जब मैं इधर उधर करती थी तो वो सब कुछ मैंने एकदम बंद करके रखा था, बिकॉज मुझे आज पूरा टाइम आई जस्ट वॉन्टेड टू फोकस ऑन माई स्टडीज़, बिकॉज 3:30 बजे के बाद में तो होने ही नहीं वाली है रात को, बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज आने के बाद में थक जाते हैं ना, तो दैट्स व्हाट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू स्टडीज़ एट दैट टाइम, तो आई एम डूइंग एवरीथिंग एज मच एज पॉसिबल टू डू। और मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी कवर करूँगी, तो उसी के लेक्चर्स में यहाँ पे देख रही थी। देन इसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ, टाइम तो तब होता है व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग हंग्री, तो अभी मैंने अपने लिए बनाया 2 वेज रोल और दिस वॉज रियली फुलफिलिंग, तो एंड एक्सट्रीमली गुड इन टेस्ट, तो इसे खा करके आई केम बैक ऑन माई स्टडीज एंड अगेन स्टार्टेड विथ वॉचिंग द लेक्चर्स। लेक्चर्स ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, बिकॉज लेक्चर के साथ में ना नोट्स भी बनाना रहता है हैंड इन हैंड, तो मैं अगर एक कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है ना तो उसी के साथ कभी कभी नोट्स बनाती रहती हूँ या फिर पॉज करके नोट्स लिख लेती हूँ। मैनी ऑफ टाइम्स व्हाट वी डू कि हम पूरा लेक्चर ख़त्म करने के बाद में नोट्स लिखने का सोचते हैं, बट क्या होता है ना कि पूरा लेक्चर देखते देखते वी गेट एग्जॉस्टेड एंड वी डोंट प्रिपेयर दैट नोट्स, और वो बाद के लिए टल जाता है और वो बाद कभी आता नहीं है। उसकी वजह से जब हमें बाद में उस चीज़ को रेफ़र करनी होती है ना तो हमें वो चीज़ मिलती ही नहीं है, फिर हम ढूंढने में भी आलसी हो जाते हैं और हम कर भी नहीं पाते हैं। सो इट्स बेटर टू मेक द नोट्स हैंड इन हैंड, आपके पास में ना कोई ऐसे रीज़न नहीं बन जाएगा कि मैं बाद में कर लूँगी। एंड बीच बीच में नोट्स बनाने का ये भी फ़ायदा होता है कि जो अपने टीचर्स होते हैं ना बीच बीच में एग्जाम्पल्स देते रहते हैं या फिर उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कोई और तरीका अपनाते हैं, तो जैसे वो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड करके बता रहे हैं तो वैसे ही आप जो पूरा मेन कंटेंट है उसके बाद में वो सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन लिख लोगे, तो आप जब वापस रेफर करोगे ना तो आपको ईजी
होगा, बिकॉज इतने दिन बाद ना हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और ये चीज़ तभी आप कर पाएंगे जब आप लेक्चर्स के साथ में नोट्स बना रहे हैं, बिकॉज लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद में इतनी चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं। फिर मैंने ब्रेक लिया अपने लंच के लिए, जल्दी से लंच बनाया और बहुत सिंपल सा लंच रखा था मैंने ताकि ये जल्दी से बन जाए। और मेरा मन भी कर रहा था कढ़ी चावल खाने का, एंड इट वॉज रियली सो गुड बिकॉज मैंने बहुत दिन बाद कढ़ी खाई थी। तो लंच करने के बाद मैंने 10 मिनट्स का रेस्ट लिया, बिकॉज आज यही टाइम है जब मेरा ब्रेक हो रहा है, जब खाना बनाने आती हूँ ना तभी मेरा ब्रेक चलता है। और खाना बनाना भी कोई ब्रेक होता है यार, ब्रेक वी आर टेकिंग आर सेल्फ टू रिलैक्स। बट हाँ ये है कि मुझे खाना बनाना और खाना दोनों में ही मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। यस आई गेट रिलैक्सड, बट बॉडी को भी ना आराम चाहिए होता है, दैट इट डज नॉट गेट। आज चलो काम चलाना है बिकॉज रात को आकर के तो आराम ही करना है। तो मैंने इसके बाद में भी ना लेक्चर्स देखना कंटिन्यू किया। आज मेरे लेक्चर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, आज मैं 3rd चैप्टर कर रही थी और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था। एंड मेरे हाथ में जो आप ये मार्क देख रहे हो ना, आई डोंट नो क्यों ऐसे ये ब्लैक सा ना बहुत बार मेरे आर्म्स में हो जाता है अपने आप ही, आई डोंट नो द रीज़न। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डरने की वजह से हो जाता है, बट आई डोंट नो। और जहाँ तक मुझे याद रहता है कि मैं रात में डरती भी नहीं हूँ, तो अगर आप में से किसी को पता हो ना तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सारे लेक्चर्स खत्म करने के बाद में इट वॉज अराउंड 3 o'clock, तो मुझे अब रेडी होने के लिए जाना था बिकॉज मैं अपने फ्रेंड के साथ में डॉक्टर के पास जा रही हूँ। वी हैड अपॉइंटमेंट ऑफ 5 o'clock, तो हम 3 o'clock निकलेंगे तभी पहुँच पाएंगे। बट हम निकल तो गए थे एंड बीच में हमें मैसेज आया कि ड्यू टू सम इमरजेंसी आर अपॉइंटमेंट इज़ कैंसल्ड। एंड एट दैट टाइम आधे रास्ते में आकर के वी वर फीलिंग व्हाट टू डू नाउ, बिकॉज सुबह से लेकर के अभी तक आई वॉज जस्ट प्लानिंग द थिंग्स फॉर दिस ओनली, एंड मैं इतना जल्दी इसी चीज़ के लिए उठी थी एंड मैन दिस इज कैंसल, अब हम क्या करेंगे। और बस चलती जा रही थी और हम सोच रहे थे क्या करें, वापस घर जाएं या फिर कहीं और जाएं, और उस टाइम तो घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो एट दैट टाइम व्हाट वी डिसाइडेड कि हम जाकर के आते हैं दगड़ूशेठ हलवाई, क्योंकि जब से हम यहाँ पे आए हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ एक बार दर्शन हुआ है, और इतनी स्टडीज़ के बीच में यही कुछ छोटे मोटे टाइम होते हैं जब कभी बाहर जाने का मौका मिलता है, वरना तो वही बुक्स वही किताबें वही कमरे बस वहीं पढ़े पढ़े पढ़ते रहो। तो आज हमें ऐसे तो वापस नहीं जाना था, दैट्स व्हाट हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। और देखते देखते हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। आज की डेकोरेशन इंडिपेंडेंस डे वाली डेकोरेशन थी यहाँ पे, मतलब यहाँ का जो बाहर का एरिया है ना उसका डेकोरेशन हमेशा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, एंड हर बार हर थीम बहुत ज़्यादा प्यारी रहती है। तो मैंने बैग रखा, प्रसाद लिया और लाइन में लग गए, और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे यार। सच में यहाँ पे आकर के जब भगवान जी के सामने खड़े रहना बहुत ज़्यादा अलग तरीके का सुकून मिलता है। मन तो करता है कि बस यहीं पे खड़े रहो, बट इतना देर खड़े रहना अलाउड नहीं रहता है, दर्शन करके तुरंत निकलना पड़ता है। बहुत अच्छे से दर्शन मिले, बट कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, बट मैंने फोटो अटैच कर दी है। इसके बाद प्रसाद लेकर के हम यहाँ से निकल गए, और सामने ही ना तुलसी बाग का मार्केट है जहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मेरे पास पैसे बहुत लिमिटेड थे, बट मैंने सोचा एक बार जा करके तो आते हैं, इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना यहाँ भी होकर के आते हैं। और मैंने यहाँ पे आकर के स्लीपर वाला सेक्शन देखा, और वो मेरे काम की चीज़ थी, तो मैंने वहाँ से एक स्लीपर ली और अपने शूज़ उतार करके तुरंत ही नए स्लीपर्स पहने। और बहुत दिनों के बाद मैंने ये 2 नेल पेंट ली और थोड़े बहुत चीज़ें लेकर के मैं यहाँ से निकल गई। रास्ते में हर बार की तरह मैं डोसा स्टॉल पर रुक करके डोसा खाया, और आगे आने के बाद भी मुझे दिखी एक स्टेशनरी की शॉप जहाँ से मुझे काफ़ी पेजेस प्रिंट आउट कराने थे, और साथ ही में मुझे नोटबुक स्टेशनरी की बाकी सारी चीजें मिली, विच वॉज एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, मतलब हाफ से भी कम रेट में चीजें थी। मैंने बहुत सारी चीजें ली, एक लंबा चौड़ा बिल बनाने के बाद में मैं वहां से निकल गई जूस पीने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने ऑरेंज का जूस पिया। इसके बाद में सामने एक मंदिर थी, वो भी गणपति मंदिर थी, वहां पे दर्शन करके आए। एंड ये मंदिर की जो डेकोरेशन थी ना बहुत ज्यादा आई सूथिंग थी, आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैंने ये रास्ता चुना, इसमें बहुत ज्यादा मंदिर थी और हर मंदिर में मैं दर्शन करके आई। फिर मुझे बस से बस जाना था तो उसके लिए मैंने कैश निकाला, और जल्दी ही मुझे बस मिल गई तो मैं घर के लिए निकल गई। और बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, थोड़ी देर खड़े होने के बाद में मुझे सीट मिल गई, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जिस टाइम पे सबको ही अपने घर वापस जाते हैं जॉब से, एंड दैट्स व्हाट इतना ज़्यादा रश रहता है कि खड़े होने की भी जगह नहीं होती है। रात में लाइट्स की वजह से सिटी कितनी प्यारी दिखती है, तो वही चीज़ें मैं देखते देखते मेरा 1.5 घंटे का रास्ता कंप्लीट हुआ, और फिर मेरा बस स्टॉप आ गया था। वहाँ से चलते चलते मैं घर पे आ गई। घर आने के बाद हैंड वॉश वगैरह करके सबसे पहले मैंने प्रसाद खाया, जो कि बहुत टेस्टी था, क्योंकि मुझे हर चीज़ ही टेस्टी लगती है और प्रसाद तो टेस्टी होता ही है। फिर 1.5 घंटे तक तो मैंने रेस्ट किया, बिकॉज मैंने बहुत चला था आज पूरे दिन में, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद में मेरा एडिटोरियल का सेक्शन बचा हुआ था, तो वो मैंने देखना स्टार्ट किया।
आज के लिए बस यही एक चीज़ बची थी, तो क्यों इसको मैं कल के लिए पोस्टपोन करूँ। तो मैंने उसको देखना स्टार्ट किया और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मैंने डिनर बहुत झटपट सा रखा, मैगी बनाई सिंपल सी और उसे खाया। तो कुछ इस तरीके का आज का मेरा पूरा दिन था। आई होप यू लाइक इट, इफ सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं बहुत कम ये चीज़ बोलती हूँ, प्लीज़ कर देना। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून अपकमिंग व्लॉग्स, टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग।